चलिए देखिए जान, आपका क्या है वायरिंग डायग्राम ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे करते हैं उसका डायग्राम। डायग्राम मतलब क्या होता है? चित्र, ठीक ना, यानी कि एक रूप रेखा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका फेस है, ई मतलब होता है बॉडी अर्थ और न्यूट्रल। बॉडी अर्थ का काम होता है जब हमें कभी भी बाई चांस करंट पकड़ती है तो क्या करती है, हमें उसको वहां से झटका देकर हटाने का काम करती है, तो मशीनों में बॉडी अर्थ का वायर लगा होता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो फेस होता है ये जाता है स्पिन मोटर के पास, ठीक ना। आप इसको चाहें तो वाश मोटर पे देके भी स्पिन मोटर पे दे सकते हैं, या तो स्पिन से आप वाश पे दे, दोनों बात सेम है, ठीक ना, क्योंकि ये बस यहाँ से लूप करके यहाँ पे लिया गया होता है, यानी कि जोड़कर। तो आप चाहें तो पहले यहाँ दे के और फिर यहाँ दे सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ में बात सेम है, ठीक ना। ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला वायर होता है अलार्म के लिए, ठीक ना। इसको हम देते हैं यहाँ से फेस और यहाँ से देते हैं न्यूट्रल, ये हो जाता है अलार्म के लिए। तो ये अलार्म के लिए वायर लगा, यानी जब काम पूर्ण हो जाता है तो ये रिंग बजने लगती है, तो हमें पता चलता है कि यानी कि हमारा जो वॉशिंग हुआ है, यानी कपड़ा जो धुला है, वो क्या हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे अलार्म के लिए इसमें चार वायर होते हैं, एक तो होता है इसमें फेस इनपुट के लिए, एक ये पिंक कलर का होता है, और यहाँ से एक ब्लू होता है, और ये ब्लैक होता है, थोड़ा कभी कभी रेड भी होता है, और ये तो ब्लैक आपका होगा ही होगा, यानी कि न्यूट्रल फेस देते हैं अलार्म को, ठीक ना। अब चले जाते हैं वायरिंग पे। तो वायरिंग में सबसे पहले होता है, इससे हम पिंक वाले को स्विच में कनेक्ट करते हैं। ये स्विच जो होता है, पहला स्विच जो होता है, सिस्टम को चलाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसे ऑन करते हैं तो सिस्टम चलता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। होता क्या, ये वाला जो फेस होता है यहाँ जाता है और यहाँ से लग के यहाँ आता है, ठीक ना। और ये वाला जो फेस आपका दिख रहा है, ये वाला यहाँ से जाके सीधा कनेक्ट होके इस पे आता है, यानी कि दोनों जब फेस मिलता है तो एक बार इसको डायरेक्ट फेस मिलता है, एक बार इसको डायरेक्ट फेस मिलता है, ठीक ना। हालांकि वायरिंग के हिसाब से होता क्या, सबसे पहले जो आपकी वायरिंग जाती है रन पे, और रन के बाद स्टार्ट पे सप्लाई बढ़ा के जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दोनों सप्लाई आते हैं, देख रहे हैं, ये वाली भी सप्लाई आ रही है और यहाँ से होके पुनः रिवर्स होके ये वाली भी सप्लाई इसी पे आ रही है। दोनों सप्लाई जब मिलती है तो सिस्टम चलता है एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसको नीचे कर देते हैं तो ये वाली जो सप्लाई, ये वाली रुक जाती है, केवल ये वाली सप्लाई यहाँ जाती है और तब यहाँ पर आती है। तो आप देख रहे हैं ये वाली सप्लाई पहले इसको मिल रही है, फिर इसको सप्लाई बढ़ा के, यानी क्योंकि सप्लाई यहाँ से हट जाएगी, ये मिलेगी नहीं, केवल एक सप्लाई मिलती है, इसलिए हमारा जो सिस्टम चलता है वो केवल क्लॉकवाइज चलता है। तो एक स्विच से चलता है क्लॉकवाइज और एक स्विच से चलता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों। यानी पहले स्विच जब हम ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम जो होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलता है, और जब इसको ऑन करते हैं हमारा सिस्टम चलता है केवल क्लॉकवाइज। लेकिन अब ये जो नई ऑटोमेटिक मशीनें आती है, यानी नई सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, इन दोनों का काम खत्म हो गया, यानी कि ये दोनों नहीं होते हैं। मात्र आपका जो ये टाइमर होता है, टाइमर से सिस्टम होता है, तो अभी हम बताएंगे उसको उसमें क्या होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, रन और स्टार्ट को दिया जाता है फेस। ये कैपेसिटर ऐसा होता है जिसमें देख रहे हैं ऊपर फेस है, क्योंकि इसमें जब हम फेस इनपुट के तो फेस ही तो आउटपुट होगा ना, तो इसमें ऊपर फेस होता है, नीचे जब देखिए न्यूट्रल आउटपुट हो रहा है। अब देखिए इसमें रन और स्टार्ट को देते हैं फेस, लेकिन न्यूट्रल को, कॉमन को न्यूट्रल दिया जाता है। अब आते हैं न्यूट्रल पे, तो देखिए न्यूट्रल सबसे पहले प्राप्त करते हैं, बजर को देते हैं, अलार्म को देते हैं और न्यूट्रल देते हैं। इसके कॉमन पे इसका जो वायर होता है येलो होता है। अब आते हैं सेफ्टी स्विच, देखिए सेफ्टी स्विच का काम क्या होता है, यानी कि एक समय में केवल एक ही मोटर चलेगी, इसके लिए इसमें सिस्टम में लगाया गया होता है सेफ्टी स्विच। यानी कि जब वॉश मोटर चलेगा तो स्पीड मोटर नहीं चल सकते, यानी कि आप दोनों मोटर को एक साथ नहीं चला सकते। अगर इसको, इस टाइमर को आपने चालू किया है और आपका वॉशिंग मोटर घूम रहा है, तो इस टाइमर को घुमाएंगे तो ये सेफ्टी स्विच ऊपर रहेगा, जब न्यूट्रल सप्लाई यहाँ आएगी ही नहीं तो चलेगा नहीं ना। जैसे ही आपका ये कार्य पूरा होगा, ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे चिपक जाता है और इसको न्यूट्रल सप्लाई जान लगती है, फिर आपका मोटर ये चल जाता है, तो ये आपका नहीं चलेगा। इधर से क्या, इधर से फिर ये आपका लॉक कर देगा, ये आपका नहीं चल सकता। जैसे इसको आप चालू करेंगे फिर से ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक ना, यानी कि बाई चांस आपने इसको चालू किया और जैसे इसको ऊपर करेंगे तुरंत, जब इसको घुमाएंगे तो तुरंत ऊपर, ये बंद है लेकिन ये चालू हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से होता है, ये ऑटोमेटिक में सिर्फ रहता है, नहीं नहीं ये सेमी ऑटोमेटिक मोटर, ठीक ना। ये आप नीचे होता है इसमें ऐसे इस तरीके से केबल भरे गए होते हैं, तार भरे गए होते हैं, ठीक ना, और यही उठाने का काम करते हैं इसके मैकेनिज्म को, ठीक ना। आप जब इसको घुमाते हैं तो उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि ये जब घुमा लेते हैं तो टाइम सेट हो जाता है, टाइम सेट करने के अनुसार जिस बटन को हम ऑन किए होते हैं उस दिशा हमारा मोटर घूमता है, और ये पुनः अंदर अपनी पुनरावृत्ति, यानी कि जहाँ से आपकी स्टार्टिंग होता है वहाँ पर पुनः वापस आ रहा होता है। जब पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर जब इसका अंदर का टाइमर जब आ जाता है, अलार्म बज जाता है। अब इसके बाद ये कार पूर्ण हो जाने के बाद इसको हम सप्लाई, इसमें कुछ होता नहीं, केवल दो वायर होते हैं, ठीक ना, इसमें केवल दो वायर होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट का जो कलर होता है पिंक होता है, और इसका या तो येलो हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है। येलो यानी कि आपका पीला, ब्लैक, काला, दो कलर के तार हो सकते हैं। तो कॉमन को हम देते हैं सीधा फेस
और इसकी वायरिंग तो नॉर्मल जितने हम बहुत पहले हर चीज वायरिंग कराते हैं तो वैसे ही है। देखिए कॉमन को दे दिया हमने फेज और डायरेक्ट न्यूट्रल किसको जाएगा, रन को। ये न्यूट्रल आ रहा है ना, देख रहे हैं ये डायरेक्ट न्यूट्रल है, तो डायरेक्ट न्यूट्रल कहाँ चला गया, रन बैंडिंग को। और स्टार्ट को सप्लाई बढ़ा के जाती है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट को क्या जा रहा है, स्टार्ट वाले को यानी कि कॉमन पे गया। बंद करो जी, ये देख रहे हैं कॉमन, तो कॉमन क्या गया डायरेक्ट न्यूट्रल और सप्लाई बढ़ा के चली गई स्टार्ट बैंडिंग के पास, तो इसकी वायरिंग बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ना। तो देखिए जो कैपेसिटर होता है इसमें फेज भी इनपुट होता है और न्यूट्रल भी इनपुट होता है, तो न्यूट्रल यहाँ सप्लाई यहाँ पे इन हुई और सप्लाई बढ़ाकर चली जाएगी स्टार्ट बैंडिंग के पास, ठीक ना। तो बस इतनी सी इसकी वायरिंग होती है, स्टॉप कर लें। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सिस्टम उसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे जो आपका ये सप्लाई दिख रहा है ना ये वाला, तो ये वाला सिर्फ सीधा जो होता है यहाँ से जब बिंदु बिंदु दिख रहा है मतलब क्या है, ये कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक ना जी सर। ये बिंदु बिंदु होता है डॉट डॉट, तो ये जो सीधा अगर लाइन है तो ये मतलब ये ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता। देखिए क्या होगा, ये सप्लाई जब हम इसको ऊपर पर चालू करते हैं तो सप्लाई यहाँ से होके इसके पास जाती है और यहाँ से होते हुए यहाँ पर आती है, ठीक ना। और ये जो सप्लाई आपका ये वाला देखिए यहाँ आती है और यहाँ से होते हुए इस पर कॉन्टेक्ट होती है और फिर ये यहाँ पर आती है, यानी कि दोनों सप्लाई इसको बराबर मिलती है। इसलिए सिस्टम क्या चलता है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे इस स्विच को हम ऊपर करते हैं यहाँ से ये वाला सिरा हट जाता है और यहाँ से ये वाला भी सिरा हट जाता है और ये जो होता है बिल्कुल नगण्य हो जाता है, इसका कोई मान नहीं रह जाता, ये केवल ऊपर चला जाता है। जैसे ऊपर जाता है यानी कि जब हम ऑफ करते हैं तो जब ऊपर जाता है तो ये सप्लाई इधर आ जाती है और ये होके यहाँ पर आती है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर आके केवल एक बार इसको सप्लाई मिलती है और इसको सप्लाई बढ़ाकर मिलती है, सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज चलता है और इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलता रहता है, ठीक ना। इसमें कब जो कॉइलें होती हैं वो बराबर भर जाते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक ना। बंद कर दीजिए। अब देखिए जब केवल टाइमर होता है यानी कि जब स्विच नहीं होते हैं तो वायरिंग इस तरीके से होती है, यानी कि टाइमर से जो ब्लू वाला वायर होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट C1 पे आ जाता है यानी कि कॉमन वन, और इसमें जो होता है ये पिंक कलर का जो तार होता है ये सीधा आ जाता है C2 पे, ठीक ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, सप्लाई एक बार जो ये मिलती है, सबसे पहले जो सप्लाई बढ़ा के होती है वो मिलती है रन को और एक सप्लाई दूसरी मिलती है कॉमन को यानी कि स्टार्ट को, तो सप्लाई मिलती रहती है, दोनों सप्लाई से मिलेगी और आपका सिस्टम जो चलेगा एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, दोनों दिशाओं में चलने का काम करता है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक बार घड़ी की दिशा में और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विरोध दिशा में यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलने का काम करता है। तो सिस्टम आपका केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और सबको पता है कि जब सिस्टम केवल एक दिशा में चलेगा तो कपड़ों को गोल गोल घुमाए कपड़े कभी साफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम क्लॉकवाइज चलता है तो कपड़े गोल गोल घूम रहे होते हैं, जैसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कपड़े फैल जाते हैं और उनके बीच से साबुन का पानी होकर गुजरता है जिससे कपड़ों का मैल क्या हो जाती है निकल जाती है। इसलिए अब जो नए डिजाइन के आते हैं वॉशिंग मशीन उनमें ये स्विच नहीं होते हैं, केवल ये टाइमर होता है, टाइमर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं सिस्टम को जब हम घुमाते हैं चालू करते हैं तो हमारा सिस्टम जो होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने का काम करने लगता है, ठीक ना। तो इतना सा इसमें होता है। तो जो इसका बाकी जो होगा प्रैक्टिकल जो होगा ना इसका हम कल कराएंगे, ठीक ना। तो सब लोग वायरिंग पढ़ के अच्छे तरीके से आएंगे, प्रैक्टिकल हम कल करा देंगे इसका, और प्रैक्टिकल का जो भी वीडियो होगा उसको अपलोड कर दिया जाएगा कल के डेट में। सर्किट डायग्राम बुक के माध्यम से